हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आज मैं जा रही हूँ, मेरे मामा की बेटी की इंगेजमेंट है तो मैं वहीं पर जा रही हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं। मेरी कज़िन की शादी है, इंगेजमेंट है, तो जाहिर है मेरे मायके वाले ही होंगे वहाँ पर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ मेरे मायके वालों से मिलने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमने वहाँ पर कैसे इंजॉय किया। और मेरे घर से ये काफ़ी दूरी पे था, और ये देखिए रास्ते में कितने होटल्स हैं। मैं यही सोचती हूँ कि ये जो एक एक मिनट की दूरी पे इतने होटल्स रहते, तो उन लोगों को कुछ फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता है। मैं तो यही सोचती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर से जो मेरे मामा के घर का रास्ता है, उस रास्ते के दौरान तो बहुत ज़्यादा होटल्स हैं। तो मैं वही मेरे हस्बैंड से भी पूछ रही थी कि कुछ फ़ायदा होता है क्या इसका। फाइनली हम पहुंच गए हैं। थोड़ा हमें मुश्किल हुआ, मिल नहीं रहा था हॉल, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो मैं बाहर से तो ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाऊँगी। और ये मैं लेडीज़ सेक्शन में आ गई हूँ। नॉर्मली मुझे इस तरीके का वीडियो लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मेरे पब्लिक की डिमांड है कि वो लोग बोल रही हैं कि मेरे कपड़े दिखा दो, मुझे नया दिखाओ चलेगा। क्योंकि ऐसे वीडियो मुझे खुद भी नहीं पसंद आते देखने के, जिसमें फेस ना नज़र आए। और मुझे इस वजह से मैं ना अवॉइड ही करती हूँ कि खाली गले कटे हुए वीडियो ना बनाऊं। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा, तो मैंने उसके लिए ये वीडियो बना लिया। और ये देखिए बच्चों को तो मैं ज़रूर दिखाती हूँ, और बच्चे बहुत खुश होते हैं वीडियो में आकर। और ये है अब्दुल अहद, और ये उसका कज़िन है। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते, स्टैचू बन जाते। कुछ जो न्यू बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं रहता कि मैं वीडियो ले रही हूँ कि फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, तो वो लोग है ना स्टैचू बन जाते हैं। और ये देखिए अब्दुल हद, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह मेरे कज़िन्स लोग और जो भी थे, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे व्लॉग में आने के लिए। तो मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स ले लिए उनके, और आई होप वो लोग माइंड ना करें और मुझे बाद में इसे कट ना करना पड़े। और ये देखिए इस तरीके से लेडीज़ सेक्शन है। और नाश्ता वगैरह का भी अरेंजमेंट था, पर मैं लेट आई थी तो मैंने अवॉइड किया नाश्ता करना। और ये मेरी खाला है, और उनके साथ उनके रिलेटिव्स हैं। और ये है खतीजा। खतीजा इतना प्रिंसेस बन के आई थी, पर उसको सडनली रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंडी लगी कि बेचारी इस तरीके से जैकेट पहन के हो गई है, एकदम से सुस्त हो गई है माशाल्लाह। लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लग रही है, आप लोग ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। और खतीजा आ गई है, तो हानिया और इस्माइल भी आ चुके हैं, तो मैंने सोचा उन लोगों की भी क्लिप ले लूं। और ये लोगों को तो पता चल गया है कि कैमरा ऑन है तो हाई करना है, तो इस लोग इस तरीके से। फिर भी मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग ऐसे स्टैचू क्यों बने हो। तो ये देखिए इस्माइल की हरकतें क्या कर रहा है ये। और ये है खतीजा की मम्मा, बहुत प्यारी लग रही थी, पर मैं फेस नहीं दिखा सकती। पर मैंने सोचा ड्रेस ही दिखा दूँ, बहुत प्यारा ड्रेस भी लग रहा था। सारे लोगों से मिलने में मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ ना, कि मैं अब तो क्लिप भी लेना भूल जाती हूँ। थोड़ा सा मैंने वेलकम ड्रिंक का क्लिप लिया, खाने का भी मैंने थोड़ा ही लिया, सारी चीज़ों का नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ये क्लिप लिया। और स्टेज का भी मैं पास जाके नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे पता है फिर फेस दिख जाएगा तो मुझे फ्लावर या हार्ट लगाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। और ये है मेरा कज़िन शर्मा रहा है, और ये है मेरा भतीजा, मुझे बोल रहा है ये मोबाइल लो, इससे तुम वीडियो बनाओ, इससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और ये हम अब खाना खाने जा रहे हैं। मैंने सारे क्लिप नहीं लिए, क्योंकि अगेन एंड अगेन सेम ब्लॉग हो जाता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा ही क्लिप लिया हुआ है। और अब ये रस्में होने जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये भी क्लिप ले लूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी स्टेज पर, पर मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया है, क्योंकि फिर अगेन वही प्रॉब्लम आता है कि फेस मुझे किसी का नहीं दिखाना है। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है। और ये मेरी कज़िन की सासू माँ, उसको ये नेकलेस पहना रही है। और अब हम जा रहे हैं घर। और बाहर निकले तो मैंने अपने भाइयों के साथ भी वीडियो बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया। और ये है मेरे कज़िन, तो वो मुझे मजाक उड़ा रहे मेरा कि वीडियो क्यों बना रही हो। सभी इंजॉय भी करते हैं, लेकिन नखरे भी उतने ही करते हैं व्लॉग में आने के लिए। और ये देखिए ये सारे मेरे फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं अब घर। और ये है मेरी भतीजी, और ये है मेरा भतीजा।
तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप इन लोगों का भी ले लूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा। और ये मेरा छोटा भतीजा, सब शर्मा रहे हैं। ये मेरे जीजा जी है और ये मेरा भाई है माशाल्लाह, ये मेरा सबसे बड़ा भाई है। मुझे इतनी खुशी हुई जब इसने थम्स अप किया कि सारे लोग इतने नखरे दिखा रहे हैं व्लॉग में आने के लिए और मेरे भाई ने मुझे थम्स अप किया। थैंक यू सो मच भाई फॉर सपोर्टिंग मी। और ये है मेरे हस्बैंड, जिनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था, तो मेरे हस्बैंड के लिए भी स्पेशल थैंक्स बनता ही है। और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मेरे फैमिली मेम्बर से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।